अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान इंफॉर्मेशन। आज ख़ास आपको मालूमात देंगे कि इन दिनों जो है कोई भी फसल आपने काश्त की हुई है, जैसे कि कमांद हो गया, कपास हो गई या तिल्ली हो गई, ख़ास तर कमांद के काश्तकार एक बात को नोट कर लें कि इस दर्जा हरारत में, जो कि आज कल दर्जा हरारत बढ़ गया है, बहुत सख्त गर्मी है, दर्जा हरारत 45, 46 और 50 पर भी जाने के इम्कान हैं, तो इन दिनों यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। अकेले आप जब भी यूरिया का इस्तेमाल इन दिनों करेंगे दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से, तो आपकी जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन को नहीं मिलती, बुखारात बन के उड़ जाती है। इस दिनों आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि इन दिनों में आपने अमोनियम सल्फेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। आपने अगर यूरिया देनी है तो अमोनियम सल्फेट के साथ दें। ये जो है अमोनियम सल्फेट में जो सल्फ़र और जो नाइट्रोजन की मिकदार होती है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है, वो ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि पौधे को रोज़ाना की बुनियाद पर यूरिया मियाँ होती रहती है, मिलती रहती है, पौधा अपनी खुराक बनाकर रोज़ाना ज़मीन से लेता रहता है। अगर इस दर्जा हरारत में मसलन आप अकेली यूरिया फ्लड करते हैं या छट्टा करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह बुखारात बनकर उड़ जाएगी। तो ऐसे किसान जिनने कमांद की फसल काश्त की है या कपास की या कोई और फसलें काश्त की हैं, तो इस दर्जा हरारत में आपको हरगिज़ ही यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अकेले। अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट नहीं मिल रही या आप नहीं ले सकते, तो आप ऐसा करें कि एक एकड़ में 2 किलो सल्फ़र और 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करें, ये भी आपकी अमोनियम सल्फेट बन गई। क्योंकि इस दर्जा हरारत में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल, जैसे आप मसलन मरी का मौसम होता है, ठंडक होती है, तो ये भी फसल के लिए एक ठंडक या दर्जा हरारत 30 से 32 दर्जा हरारत जो है वो बनाकर अमोनियम सल्फेट फसल को देती है कि वो उसमें जो गर्मी होती है उसके खिलाफ जो है अमोनियम सल्फेट कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है, जिसकी वजह से आपकी फसल का जो रंग है वो काला हो जाता है, सरसब्ज हो जाती है और उसकी बढ़ोतरी जो है बढ़ोतरी बढ़ जाती है। तो ऐसे किसान जो कि कमांद की फसल काश्त की हुई है, तो कमांद की फसल को इसका कोई कमाल ही रिज़ल्ट है अमोनियम सल्फेट का। इन दिनों अगर आपने अमोनियम सल्फेट की 1 बोरी डाल दी, तो ऐसा कि आपने 3 बोरी यूरिया डाली, 3 बोरी यूरिया का रिज़ल्ट और उसका फ़ायदा उसकी बढ़ोतरी उससे ज़्यादा 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की बढ़ोतरी करेगी, बराबर होगी। तो किसान भाइयों आपसे गुजारिश है कि आप इन दिनों इस दर्जा हरारत में जब भी 40 से ऊपर दर्जा हरारत जाए तो आपने अमोनियम सल्फेट का लाजमी इस्तेमाल करना है। अकेली यूरिया हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपकी फ़सल को कोई फ़ायदा नहीं देती। शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया।